नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के नगर निगम में आज नगर की महापौर ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों का सम्मान किया। उनका कहना है कि आज हम देश में जो आजादी की सांस ले रहे हैं वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की ही देन है, जिसको हम ध्यान में रखते हुए उनके सभी परिजनों का सम्मान करते हैं। लगभग 12 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों का आज सम्मान नगर निगम की महापौर नूतन राठौर ने नगर निगम में अपने कार्यालय पर किया। सभी को फूल माला पहनाकर उनका सम्मान किया और आज रक्षाबंधन के मौके पर सभी को राखियां बांधी। फिरोजाबाद से ऋषि पंडित की रिपोर्ट। देखिए, पिछले कई दिनों से हम आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमारे नगर निगम के कार्यालय में जो आज का हमारा शेड्यूल था, शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मान देना था, एक रक्षा सूत्र उनको बांधना था हाथों में, क्योंकि आज रक्षाबंधन भी है। तो आज हमारे पास जो लोगों की सूची आई, वो लोग आए यहाँ पर और उनके परिवारिकजन भी आए, स्वतंत्रता जो हमारे सेनानी हैं, और हमने उनका शॉल उड़ाकर, माला पहनाकर, रक्षा सूत्र बांधकर उनको एक सम्मान दिया है, एक गौरव दिया है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है हर घर तिरंगा, तो उसके लिए भी अपील करूंगी, क्योंकि 15 अगस्त तक हम हर घर तिरंगा लगाने का अभियान चला रहे हैं। नगर निगम के माध्यम से 1,00,000 तिरंगा लगाने का जो कार्यक्रम है वो भी चल रहा है। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं आने के लिए जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी के परिजन आए हैं उनका भी धन्यवाद व्यक्त करूंगी, क्योंकि ये जो स्वतंत्रता दिवस हम मनाने जा रहे हैं, आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव, खास तौर पर ये इन्हीं लोगों के लिए मनाया जाता है, जिन लोगों की वजह से हमें, हमारे देश को आज़ादी मिली, हम आज ये त्यौहार मना पा रहे हैं। सरहद पर खड़े होकर हमारे देश की रक्षा करने वाले उन जवानों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ, और रक्षाबंधन की भी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। लगभग कितने स्वतंत्रता सेनानी और उनके परिजन आज सम्मानित किए? देखिए, अभी जो परिजन आए हैं 10 से 12 लोग अभी यहाँ पर आए जिनका सम्मान किया है, और कुछ लोग आने बाकी हैं, कुछ लेट हैं, कुछ हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जो सूची मिली है, तो जैसे ही आएंगे उनका भी सम्मान किया जाएगा। अभी तक हमने 12 लोगों का सम्मान किया। न्यू सेंट स्टेफेन पब्लिक स्कूल सवाई बरहन रोड एतमादपुर आगरा के प्रबंधक कुलदीप वर्मा की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस व जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। SHO कमलेश सिंह थाना रसूलपुर फिरोजाबाद की तरफ से आप सभी देशवासियों को रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस व जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरवेंद्र कुमार मिश्रा SHO रामगढ़ फिरोजाबाद की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस व जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। MS स्कूल के प्रबंधक संजीव चार्ल्स की तरफ से आप सभी देशवासियों को रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस व जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। DR इंटर कॉलेज सिटी पब्लिक स्कूल माधोगंज शुकोबाद के प्रबंधक ओम प्रकाश यादव की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस व जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी सिरसागंज के विधायक सर्वेश यादव की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस व जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। FH मेडिकल कॉलेज की तरफ से आप सभी देशवासियों को रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस व जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सागर ITI के प्रबंधक SK सागर की तरफ से आप सभी देशवासियों को रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस व जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। फिरोजाबाद RPF प्रभारी निरीक्षक नरेश चंद्र शर्मा की तरफ से सभी देशवासियों को रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस व जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। CA अवधेश पालीवाल जिला महामंत्री भाजपा व निदेशक जिला सहकारी बैंक फिरोजाबाद की तरफ से आप सभी देशवासियों को रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस व जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। फिरोजाबाद के GRP थाना प्रभारी मुकेश कुमार शर्मा की तरफ से सभी देशवासियों को रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस व जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।